दिख रहा है। जुड़ते अपने एक्सपर्ट को, पूछते क्या हो आपकी रणनीति। मेरे साथ है एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता। और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता भी मेरे साथ हैं। अनुज नमस्ते। एग्री स्पेस में सोयाबीन से शुरुआत करते हैं, कैसा दिख रहा है आपको सोयाबीन, क्या रणनीति रखेंगे यहाँ? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। अगर हम एडिबल ऑयल्स में देखें तो हमने वीक ऑन वीक बेसिस पर सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखा है। हमें लगता है कि एडिबल ऑयल्स में जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउनसाइड ही रहेगा। तो सोयाबीन के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली कर सकते हैं करीबन 3090 के आसपास, स्टॉप लॉस 3130 का रहेगा, टारगेट 3030 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ओके, सो सेल साइड जनवरी कॉन्ट्रैक्ट सोयाबीन में बिकवाली की सलाह अनुज की तरफ से। साथ ही में अनुज दो कमोडिटीज जिस पर आपका व्यू लेना चाहेंगे, ग्वार और जीरा। देखिए ग्वार सीड में हमने लास्ट वीक थोड़ा सा रन अप आते हुए देखा था, बट हमें लगता है कि जो सेलिंग प्रेशर है, जो अराइवल्स हैं वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं, जो कैरी ओवर स्टॉक है वो यहाँ पर हमें लगता है कि एक बार फिजिकल मार्केट में आ सकता है और बिकवाली बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि ग्वार सीड में सलन राइज कर सकते हैं करीबन 4070 के आसपास, स्टॉप लॉस 4150 का रहेगा, टारगेट 3950 तक देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो ग्वार गम की एक्सपोर्ट डिमांड है वो इस महीने फिलहाल पिछले महीने के कंपैरेटिव में कम देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भावों में गिरावट देखने को और मिल सकती है। और अगर जीरे की बात करें तो जीरे में हमने देखा है कि हायर लेवल से बिकवाली आते हुए दिखाई दी है, और अगर हम देखें तो नेक्स्ट मंथ में अराइवल इसकी आ सकती है, रकबा इसका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि जीरे के अंदर भी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जीरे के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 21500 के आसपास, स्टॉप लॉस 21800 का रहेगा, टारगेट करीबन 21000 से लेकर 20800 तक देखने को मिल सकता है। तो आज सारे ही सेल कॉल दे रहे हैं अनुज आपको, बेरिश स्टैंड है आज अनुज का सारे एग्री स्पेस में। शुरुआत इन्होंने की थी सोयाबीन से, वहां पर भी बिकवाली की सलाह, जीरे में भी बिकवाली की सलाह, ग्वार में भी बिकवाली की रहा है। अनुज रुपए में आज हमने देखा मार्जिनल बढ़त है, क्या करने की सलाह देंगे रुपए में? प्रियंका जी वीक ऑन वीक बेसिस पर हमने इंडियन रुपीज एप्रिशिएट होता हुआ दिखा है, हालांकि हम देखें तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, बट मुझे लगता है कि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में अगेन हम एक एप्रिशिएशन आता हुआ देखेंगे। तो हमें लगता है कि इंडियन रुपीज के अंदर जो ट्रेंड रहेगा वो अभी एप्रिशिएट का ही रहेगा, और एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 63.80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन रुपीज में बिकवाली करके चल सकते हैं, एप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है। धन्यवाद अनुज और जय, आप दोनों का ही आपने वक्त निकाला कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ ही। वैसे दिन भर जय और अनुज आपको फिर से नजर आएंगे सीएनबीसी आवाज पर आपकी कमोडिटी की स्ट्रेटजी को अपडेट करते हुए, लेकिन फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।